नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। अब डालते हैं एक नजर उत्तराखंड की खबरों पर। आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दून में और भगत हरिद्वार में करेंगे प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन। भाजपा के मंडलों का प्रशिक्षण वर्ग 28 अक्टूबर को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरिद्वार में इसका उद्घाटन करेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में 20,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। दून अस्पताल में अब सामान्य ओपीडी शुरू करने की तैयारी। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट व मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसकी तैयारी शुरू कर चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो मरीजों को जल्द ओपीडी का लाभ मिलेगा, साथ ही ऑपरेशन और अन्य सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में वन्य जीव की चहलकदमी। वन विभाग ने पकड़े 8 सियार और एक भेड़िया। रनवे पर वन्य जीवों के घूमने से हादसे का खतरा बना रहता है, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने यहां पिंजरे लगाए हैं। इनमें अब तक 8 सियार, एक भेड़िया और 6 से अधिक बिज्जू फंस चुके हैं। रविवार को भी यहां एक सियार कैद हुआ। ऋषिकेश में देर रात ट्रांसफॉर्मर से टकराई बाइक, उपचार के दौरान घायल की मौत। रविवार की देर रात ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर बन रही नई सड़क के बीच में स्थित बिजली के ट्रांसफॉर्मर से टकराने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना रविवार देर रात 11:30 बजे की है। बनखंडे निवासी प्रदीप पुत्र चंद्रभान अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन के सामने इस नई बनी हुई सड़क से घर जा रहे थे। एसएसपी उधम सिंह नगर का नाम दिलीप सिंह कुंवर। अवैध खनन में लिप्त उधम सिंह नगर जिले की 2 पुलिस चौकियों पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चौकी को सस्पेंड तो दूसरी चौकी को किया लाइन हाजिर। पिछले लंबे समय से दोनों चौकियों पर अवैध खनन कराने के मामले की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते ही एसएसपी ने अपनी गोपनीय जांच बिठाई, जिसमें बाजपुर कोतवाली क्षेत्र की बन्नाखेड़ा पुलिस चौकी को एसएसपी ने चौकी इंचार्ज सत्येंद्र बुटोला सहित पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं आकांक्षा थापा आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले याद रखें, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और नियमित रूप से अपने हाथ धोएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। धन्यवाद।